वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको जूते का बहुत प्यारा सा डिजाइन बताने वाले हैं। फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसमें 35 चैन बुनी है और अब हम इसकी फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। 35 चैन बुनने के बाद एक चैन एक्स्ट्रा बुन लीजिए और देखिए हर चैन में आपने इस तरह से सिंगल क्रोशे से बुनना है। फ्रेंड्स इस जूते को बिगनर्स भी बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत सिंपल और इजी डिजाइन है। बस देखिए इस तरह से। फ्रेंड्स देखिए, मैं फर्स्ट रो कंप्लीट करके सेकंड रो में बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से फर्स्ट रो देखिए कंप्लीट हो गई है। अब देखिए सेकंड रो भी फ्रेंड्स हम एक चैन बुन के इसे पलट देंगे और हर चैन में हमने फिर से सिंगल क्रोशे से ही बुनना है। तो सेकंड रो भी बहुत इजी है। देखिए तो सेकंड रो कंप्लीट करके थर्ड रो में बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड्स मैंने सेकंड रो भी सिंगल क्रोशे से देखिए इसे कंप्लीट कर ली है। अब देखिए फ्रेंड्स हम दूसरे कलर का ऊन लगाएंगे। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर लगा सकती हैं। और देखिए यहाँ मैंने ज्वाइंट कर लिया है। अब हम इसमें एक चैन ग्रीन से ही बुनेंगे और इसे पलट के अब थर्ड रो है ये हमारी। अब देखिए थर्ड रो को भी फ्रेंड्स अब हमने हर चैन में हमने इस तरह से सिंगल क्रोशे से ही बुनना है। तो दो व्हाइट से बुनेंगे, दो ग्रीन से बुनेंगे। तो मैं ये दो रो ग्रीन से कंप्लीट करके फिफ्थ रो में बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने देखिए फोर रो भी कंप्लीट कर ली है। देखिए दो रो मैंने व्हाइट से सिंगल क्रोशे से बुनी और दो रो मैंने ग्रीन से सिंगल क्रोशे से बुनी। अब देखिए फिफ्थ रो बनाएंगे तो पहले आप ये वाला व्हाइट कलर का ऊन ले लीजिए अब और एक चैन बुन लीजिए इस तरह। अब देखिए इधर से अब हम क्या करेंगे। देखिए एक चैन बुन ली आपने। एक चैन बुनने के बाद आपने देखिए यहाँ से सिंगल क्रोशे से एक बार बुनेंगे इसके बराबर वाली चैन में। फिर इसके बाद फ्रेंड्स देखिए आपने अब इसमें बुनना है। सेकंड ये है तो आपने इसमें ना बुन करके आपने यहाँ बुनना है। इस तरह से फिर देखिए एक बार आपने इसके बराबर में बुनना है। फिर इसके बाद देखिए ये थर्ड है तो अब आपने यहां से बुनना है। इस तरह से देखिए फिर आपने यहां बुनना है। ये सेकंड में बुनेंगे। एक बार आपने बराबर में बुनना है और एक बार आपने इस रो की यहाँ बुनना है। व्हाइट जो बनाया था व्हाइट में से बुनना है इस तरह से। अब यहाँ बुनेंगे तो देखिए यहाँ बुनेंगे इस तरह से। मैं इस रो को कंप्लीट करके नेक्स्ट रो में बताती हूँ कि हमें क्या करना है। देखिए इस तरह से मैंने देखिए फिफ्थ रो कंप्लीट करी है। ये देखिए लास्ट पर आ गए हैं। फिर से हमने देखिए एक सिंगल एक अपने बराबर वाली चैन में सिंगल क्रोशे से बुनना है। फिर एक बार देखिए फिर हमने इसे छोड़ के यहाँ से इस तरह से फिर देखिए एक चैन बुन लीजिए और हर चैन में अब आपने सिक्स रो है ये हमारी। सिक्स रो आपने पूरी सिंगल क्रोशे से बुननी है। तो सिक्स रो में कंप्लीट करके सेवन रो में बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से देखिए मैंने सिक्स रो भी सिंगल क्रोशे से कंप्लीट कर ली है। अब देखिए सेवन रो बुनेंगे तो सेवन रो में हमने एक चैन बुन ली है। अब पलट के फ्रेंड्स फिर से हमने ग्रीन कलर के ऊन से सिंगल क्रोशे से सेवन और एट दो रो हमने फिर से ग्रीन से ही बुननी है।
देखिए तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए 7 और 8 दो रो कंप्लीट करके मैं आपको 9 रो में बताऊंगी कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने 7 और 8 रो सिंगल क्रोशे से ग्रीन कलर से देखिए बुन ली है। अब 9 रो जो बुनेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए आप यहाँ से व्हाइट कलर का ऊन लीजिए और एक चैन बुन लीजिए और इसे खींच लीजिए थोड़ा सा। अब इसे पलटेंगे, पलटने के बाद एक चैन बुनेंगे और इसके बाद देखिए इसके बराबर वाले में हमने फिर से इस तरह से सिंगल क्रोशे से बुनना है। फिर से फ्रेंड्स देखिए अब हमने यहाँ से एक बार इस तरह से बुनना है, एक बार नीचे से बुनेंगे व्हाइट में से और एक बार ऊपर से ग्रीन में से बुनेंगे, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। अब देखिए मैंने सिंगल यहाँ बुन लिया है। अब मैं देखिए यहाँ से एक ये छोड़ के सेकंड से यहाँ से बुनूंगी इस तरह से, ये देखिए फिर आपने यहाँ बुनना है, फिर आपने देखिए ये एक छोड़ के यहाँ सेकंड में इस तरह से। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए ये जो ग्रीन की है, इस ग्रीन वाली लाइन को फ्रेंड हमने इसको और ऊपर बनाना है, तो ये हमारी 4 होनी चाहिए। तो इस तरह से मैं इसको बढ़ा करके आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड्स इस तरह से देखिए मैंने रिपीट कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स इस आपको ग्रीन की देखिए मैंने 4 लाइने बुनी है, 1 2 3 4, ये 4 लाइने मैंने बुन ली है फ्रेंड्स। ये टोटल 18 रो हैं। देखिए 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18, तो इस तरह से ये हमने 18 रो कंप्लीट कर ली हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हम इसको 3 हिस्सों में बांटेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने 35 चैन बुनी थी, तो देखिए 14 चैन इधर, बीच में 7 चैन छोड़ेंगे और 14 चैन इधर। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी इधर से 14 चैन की इधर की लंबी सी पट्टी बनाएंगे और एक इधर पट्टी बनाएंगे, बीच में 7 चैन का गैप आ जाएगा। तो देखिए अब हम पहले 14 चैन यहाँ से ग्रीन से बुनेंगे, यहाँ पर आपको ज्वाइंट है तो आप यहीं से बुन लीजिए। देखिए तो अब आपने यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। देखिए इस तरह से, अब देखिए अब हम यहीं से इसको इस तरह पलट लेंगे। पलटने के बाद फ्रेंड्स फिर से हमने ये सेकंड रो ही सिंगल क्रोशे से इस तरह बुननी है। हमने फिर व्हाइट से इस तरह देखिए हमने इस पट्टी को बढ़ाना है फ्रेंड्स। तो देखिए अब फिर हम क्या करेंगे, देखिए एक चैन बुनेंगे, चैन बुनने के बाद एक सिंगल बुनेंगे इस तरह सिंगल क्रोशे से। फिर फ्रेंड्स देखिए एक हमने इस तरह ये बुन लिया, तो अब हम ये सेकंड में यहां से बुनेंगे इस तरह, फिर सिंगल क्रोशे से बुनेंगे सेकंड वाली चैन में और फिर देखिए ये छोड़ के यहां से इस तरह।
देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से जो हम बुन रहे हैं, अब हम ये पट्टी बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये ग्रीन वाली जो लाइन है, हमने ये 8 रो ऊपर और बनानी है। तो मैं इसको बढ़ा करके आपको बताती हूँ कि फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए मैंने ग्रीन वाली रो को देखिए रिपीट कर लिया है। फ्रेंड्स देखिए, ये टोटल 12 लाइनें हैं, 4 मैंने आपको बता दी थी। फिर इसके ऊपर देखिए मैंने ग्रीन से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बना ली है और 2 व्हाइट से बुन दी है। इस तरह से देखिए एक साइड की पट्टी कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स बिल्कुल इसी तरह हमने इधर भी इसी तरह की पट्टी बनानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आप 14 गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। यहाँ से फ्रेंड्स अब हमने 14 ही जैसे ये पट्टी बनाई थी, बिल्कुल इसी तरह की यहाँ पट्टी बनानी है। यहाँ से हम ग्रीन कलर का ऊन लगाएंगे। यहाँ से अब हम पहले ग्रीन से फ्रेंड्स सिंगल क्रोशिए से बुनेंगे हर चैन में, 14 चैन इधर, 14 चैन उधर, और बीच में ये हमारा गैप रहेगा। तो मैं ये 2 रो बनाकर बताती हूँ। से मैंने ग्रीन से देखिए डबल सिंगल क्रोशे से 2 लाइनें कंप्लीट कर ली हैं। अब मैंने इसमें व्हाइट कलर का ऊन ज्वाइंट कर लिया है। अब देखिए यहाँ से एक चैन बुनेंगे और इस तरह से फिर देखिए फ्रेंड्स हमने सिंगल क्रोशे से बुनना है। फिर हमने ये देखिए एक छोड़ के यहाँ से इस तरह से तो फ्रेंड्स देखिए जैसे ये 8 रो हैं, इसी तरह 8 रो इधर की पट्टी बनाकर मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से देखिए मैंने इधर की पट्टी भी तैयार कर ली है और इधर की भी तैयार हो गई है। फ्रेंड्स देखिए अब हम इसकी सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से लेंगे, ये देखिए यहां से हम इसकी सिलाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इधर से मैंने बिल्कुल गोलाई से सी लिया है। आप देखिए इसे पलटेंगे तो ये आगे से बहुत अच्छे से देखिए इस तरह से जूती की तरह आगे से बन जाएगा। ये देखिए इस तरह, और आप देखिए आप हम इसकी सिलाई अब यहाँ से जो करेंगे, अब हम इसकी सिलाई यहाँ से करेंगे। इस तरह से ये सिल गए हैं। आप देखिए फ्रेंड्स अब हम इधर की सिलाई सिलेंगे। फ्रेंड्स यहां से यहां तक मैंने इस तरह से इसको देखिए सी लिया है। अब देखिए यहां से थोड़ा सा हम गोल बनाएंगे, इसलिए बड़े बड़े टांके ले लीजिए।
देखिए हमारा जूता देखिए बन गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ से सिंगल क्रोशिया से बुनेंगे। इस तरह से हम पूरे जूते में सिंगल क्रोशिया से बुनेंगे। ये देखिए, ये पूरा इस तरह यहाँ से यहाँ तक करके मैं आपको बताती हूँ कि देखिए फ्रेंड्स इस तरह से देखिए मैंने सिंगल क्रोशिया से इस चारों तरफ बुन लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब जो सेकंड रो बनाएंगे वो देखिए इस तरह से। हर रो में आप हर चेन में आपने इसी तरह बुनना है। देखिए इस तरह से ये कंगूरे से बनते जाएंगे। ये देखिए पहनने के बाद देखिए इसका लुक कितना प्यारा लग रहा है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशिया वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।